कमलनाथ ने खुद को कहा बेदाग, सीएम शिवराज ने कसा तंज। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के वार पलटवार भी गहराते जा रहे हैं। ताजा हमला शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किया है। दरअसल कमलनाथ ने खुद को बेदाग बताते हुए बीजेपी नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा था। इस पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग हैं, लेकिन उनके दाग बहुत गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर लिए जाएं, तो भी वो दाग धुल नहीं सकते। इसलिए कमलनाथ जी, आप खुद को बेदाग कहना बंद करें। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते। और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। बता दें कि मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों से पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी या फिर उसकी विदाई हो जाएगी। यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।